राजस्थानी मूंग दाल पापड़ बनाने के लिए हमने यहाँ 1 किलो 500 ग्राम मूंग दाल ली है धोई हुई, आधा किलो हमने यहाँ उड़द की धोई दाल ली है। हमने दोनों को पीस करके अच्छी तरह छान लिया है। हमने हमारे 2 किलो आटे में 100 ग्राम नमक और 100 ग्राम मीठा सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, वो लिया है। इन दोनों को हम छान कर ही डालेंगे। 100 ग्राम काली मिर्च डालेंगे कूट के, 2 टेबल स्पून हम हींग डालेंगे। आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर कर इसमें पानी डालकर इसको गूथेंगे। पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक साथ डालेंगे तो हमारे आटे में गुठलियाँ सी बन जाएंगी। देखिए हम आटा ऐसे गूंदेंगे। पापड़ों का आटा हम टाइट लगाते हैं। पापड़ जितने खाने में आसान होते हैं उतने ही बनाने में बहुत ही मुश्किल होते हैं। पापड़ का आटा लगाने में बहुत ही मेहनत लगती है। ये देखिए बिल्कुल टाइट आटा बना करके हमें इसका तैयार करना होता है। हमारे 2 किलो आटे में 2 गिलास ही पानी लगेगा, ज़्यादा पानी इसमें हमें नहीं चाहिए होता है। को रेस्ट करते हुए 1 घंटा हो चुका है। हमारे आटे का हम एक पार्ट लेंगे, हम सरफेस पर सरसों का तेल डालेंगे और आटे को मलार देंगे। ये देखिए आटे को चिकना कर कर हम एक मूसली की सहायता से उसको आटे की हम ऐसे धुलाई करते हुए इसको सॉफ्ट कर करके तैयार करेंगे। हमारा आटा सॉफ्ट हो गया है। हम सारे आटे को ऐसे ही सॉफ्ट करके तैयार करेंगे। हमारा आटा सॉफ्ट होने के बाद हम इसको रोल रोल घुमाते हुए एक बेल बना करके तैयार करेंगे, जिसकी हम लोइयां काट के तैयार करेंगे। हम सारी बेलों को रोल करके एक साइड में रख लेंगे। हमने हमारी सारी बेलें बना करके तैयार, हम एक धागे की मदद से हमारी लोइयां काटेंगे। ये देखिए इस तरह, देखिए इस तरह से धागा घुमा करके हम लोइयां काटेंगे। इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर हमारी लोइयों को चिकना कर लेंगे। 2 किलो आटे की हमारी 200 लोइयां कट करके तैयार हुई हैं। हम पापड़ की लोई लेंगे और उसको ऐसे घुमाते हुए बेल लेंगे। हम इसको बेलने की सहायता से बेलेंगे, रोटी वाला बेलन नहीं लेंगे। हम पापड़ को जितना वो बड़ा हो सकता है, पतला हो सकता है, उतना बड़ा और पतला बेल करके तैयार करेंगे। हम इसी तरह से हमारे सारे पापड़ बेल करके तैयार करेंगे। ये देखिए हमने हमारे सारे पापड़ बेल करके तैयार कर लिए हैं। हमें इन्हें सूखा करके एक डिब्बे में भर के रख लेंगे। तेज धूप में हम अपने पापड़ों को ऐसे बिछा कर के 5 मिनट तक किनारे मुड़ने का इंतज़ार करेंगे। जैसे कि इन पापड़ों के किनारे मुड़ चुके हैं, अब हम इन पापड़ों को पलट देंगे। देखिए इस तरह से आप इन पापड़ों को कभी भी सेक करके खा सकते हैं, चाय के साथ, खाने के साथ। और इन पापड़ों को धूप लगाने का यह फ़ायदा है, ये पापड़ कई दिनों तक ख़राब नहीं होते। आप इन्हें 6 से 12 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं।